हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो देखिए, बेबी की लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका एक्टिविटी। जितना एक्टिविटी आप अपने बच्चे को करवाएंगे, उतना ही आपके बच्चे का जो है ब्रेन डेवलप होगा, उतनी ही लर्निंग कैपेसिटी आपकी बेबी का इम्प्रूव होगा। तो आप खाते वक्त, पीते वक्त, या आपका बच्चा सो रहा है, खेल रहा है, जो भी एक्टिविटी आपका बच्चा कर रहा है, आप उसको करने दीजिए। और सेकेंड कि आप अपने बच्चे को जो है बाहर घुमाने के लिए ले जाइए। देखिए, आपका बेबी अगर बाहर घूमने जाएगा तो उसके अंदर जो है सोशल बिहेवियर डेवलप होगा। तो उससे क्या होगा कि वो इन सब चीज़ों को सीखेगा, जानेगा। थर्ड इज़ कि आप अपने बेबी को जो है और बेबी से ज़रूर मिलवाइए। अगर आप अपने बेबी को पार्क में ले जाते हैं या कहीं आप अपने रिलेशन में जाते हैं, तो वहाँ भी आप अपने बेबी को और बच्चे जो है उनसे मिलवाइए। क्योंकि और बच्चों को, मतलब अनदर बच्चों को देख करके बेबी बहुत कुछ सीखता है बेबी। तो उससे क्या होगा कि जो भी चीज़ें अगर वो बेबी बोलता है तो आपका भी बेबी बोलने की कोशिश करेगा। मींस कि जो भी एक्टिविटी वो बेबी करता है, आपका बेबी भी कॉपी करने का कोशिश करेगा। तो आप बाहर जाते हैं तो आप और भी बच्चों से अपने बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाइए। फोर्थ इज कि कोई भी चीज़ आप अपने बच्चों को होल्डिंग कैपेसिटी के लिए कोई भी चीज़ दे दीजिए जिसको वो पकड़ करके खेल सके। तो इससे क्या होगा कि आपके बेबी का जो है होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव होगा। मीन्स की कोई भी चीज़ आप उसको उसके हैंड में दे दीजिए जो उसके लिए हार्मफुल ना हो, खाने से लेकर के खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं या खेलने की। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव होगी। तो इससे क्या है कि बेबी जो है चीज़ों को होल्ड करना सीखेगा। नेक्स्ट इज़ कि आप अपने बेबी से बात करिए। मीन्स कि चाहे आप अपने बेबी को खाना खिला रहे हो, उसको नहला रहे हो, मालिश कर रहे हो, कुछ भी आप अपने बेबी के साथ जब भी हो, बेबी को कपड़े पहना रहे हो, तो आप उससे बात करिए। क्योंकि आप जितना बेबी से बात करेंगे उतनी ही लर्निंग कैपेसिटी जो है बेबी का इम्प्रूव होगा। बेबी उतना ही जल्दी बोलना सीखेगा। तो आप अपने बेबी का आप मालिश करते हैं, खाना खिलाते हैं, जो भी आप अपने बेबी के साथ एक्टिविटी करते हैं उस वक्त बोलिए। मेरे बहुत सारे वीडियोस में आप देखे होंगे, जब भी मैं अपने बेबी को खाना खिलाती हूँ, नहलाती हूँ, मालिश करती हूँ, तो मैं बेबी से बात करती हूँ ताकि वह चीज़ों को सीख सके। नेक्स्ट इस कि पढ़ना। आप अपने बेबी के साथ जब बेड पे रहते हो या उनको सुला रहे होते हो, तो जो भी कोई इंग्लिश की पोएम हो या हिंदी की पोएम हो या 1 2 3 4, आप अपने बेबी के साथ जो है बोलिए। जिससे क्या होगा कि आपका बच्चा जो है एक जो पढ़ने की कैपेसिटी जो है आपकी बेबी की अंदर डेवलप होगी। तो बहुत सारी ये सारी जो एक्टिविटी है, और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो आप अपनी बेबी के साथ करके जो है आप अपने बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो जितनी भी एक्टिविटी हो सके आप अपने बच्चों के साथ करिए।